हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट एग्जाम स्टडी आईक्यू पर। आज है 9 अक्टूबर 2021 और हम आज के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपकी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया है? 8 अक्टूबर 2021 को भारतीय वायुसेना का निवासी व स्थापना दिवस मनाया गया है और इस दिवस का आयोजन गाजियाबाद में स्थित हिंडन एयरबेस पर किया गया है। बात करें भारतीय वायुसेना के बारे में, भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और भारतीय वायुसेना के प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष हैं विवेक राम चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित होने वाली द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? यह भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार द्वारा द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट नामक पुस्तक लिखी गई है और इस पुस्तक को 18 अक्टूबर 2021 को प्रकाशित किया जाएगा और इस पुस्तक में रजनीश कुमार ने अपनी एक बैंक कर्मी से लेकर बैंक के अध्यक्ष तक की जीवन यात्रा का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WWC में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? अंशु मलिक WWC यानी कि वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप, हिंदी में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। वहीं इस चैंपियनशिप में नॉर्वे देश की खिलाड़ी स्वर्ण पदक व भारत की ही खिलाड़ी सरिता मोर द्वारा कांस्य पदक जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2021 के चैंपियंस ऑफ चेंज नामक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सरिता सिंह को महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी द्वारा 2021 के चैंपियंस ऑफ चेंज नामक अवार्ड से सम्मानित किया गया है और यह अवार्ड शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक को APY बिग बिलीवर्स और लीडरशिप कैपिटल नामक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? KVGB यानी कि कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक को अपने ग्राहकों व नए खातेदारों हेतु अटल पेंशन योजना के तहत किए गए कार्यों हेतु APY बिग बिलीवर्स और लीडरशिप कैपिटल नामक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किसके मध्य अजय वॉरियर नामक सैन्याभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? यूनाइटेड किंगडम और भारत के मध्य, भारत में उत्तराखंड राज्य के चौबटिया में अजय वॉरियर नामक सैन्याभ्यास के 6ठे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नोबेल शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव को नोबेल शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है और यह पुरस्कार मारिया रेसा द्वारा अपने देश फिलीपींस में सत्ता के दुरुपयोग, हिंसा व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए आवाज उठाने हेतु व दिमित्री मुराटोव को अपने देश रूस में लोगों के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए आवाज बुलंद करने हेतु प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी अर्थशास्त्री गांधी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जयतीर्थ राव, जिन्हें कि जेरी राव नाम से भी जाना जाता है, वे अर्थशास्त्री गांधी नामक पुस्तक के लेखक हैं और इस पुस्तक में महात्मा गांधी के आर्थिक दर्शन और अर्थशास्त्र व पूंजीवाद पर
उनके विचारों का विवरण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस एनजीओ द्वारा महात्मा पुरस्कार 2021 जीता गया है? गुरुग्राम में स्थित LPF यानी कि लोटस पेटल फाउंडेशन द्वारा अर्धशहरी क्षेत्रों में रहने वाले वंचित बच्चों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य व पोषण पदार्थ इत्यादि प्रदान किए जाने हेतु महात्मा पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक द्वारा 6S अभियान की शुरुआत की गई है? PNB यानी कि पंजाब नेशनल बैंक द्वारा अपने ग्राहक आउटरीच कार्यक्रम के तहत 6S अभियान की शुरुआत की गई है और इस अभियान के तहत PNB बैंक अपने ग्राहकों को रियायती दरों पर वित्तीय सेवाएं यानी कि ऋण उपलब्ध कराएगा वह इसी के साथ ही डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने हेतु भी कार्य किया जाएगा। बात करें PNB के बारे में तो इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1894 को की गई थी और इसके संस्थापक हैं दयाल सिंह माजीथिया व लाला लाजपत राय और PNB का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और PNB के MD एंड CEO हैं मल्लिकार्जुन राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन इयान वोटमोर ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? इंग्लैंड देश के क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन इयान वोटमोर द्वारा अपने 5 साल के कार्यकाल में सिर्फ 13 महीने कार्य करने के बाद अपने पद से इस्तीफा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा बच्चों के लिए निर्मित दुनिया की पहली मलेरिया की वैक्सीन को मंजूरी दी गई है? WHO द्वारा ब्रिटिश दवा निर्माता कंपनी ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन द्वारा निर्मित बच्चों के लिए दुनिया की पहली मलेरिया की वैक्सीन को मंजूरी दी गई है। बात करें WHO के बारे में, WHO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन, और WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड देश में स्थित है और WHO के प्रेजेंट टाइम के महानिदेशक है टेड्रोस एडहानोम। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। जय हिंद।